Hello guys, welcome to MySQL learning series, and in this video we will see MySQL joins. So first of all we will see what is joins in MySQL. So join is a clause used to combine rows from two or more table based on the related column between them. तो join दो table में से rows combine करने के लिए use किया जाता है depending upon the matching column from both the table. सपोज दो दो टेबल में से एक भी कॉलम सेम नहीं है, कम से कम एक कॉलम तो सेम होना चाहिए तभी हम ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं. अगर एक भी कॉलम सेम नहीं है, दोनों टेबल अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन यूज़ नहीं कर सकते. तो ज्वाइन के चार टाइप्स है, दैट इज़ लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन. तो ये सारे टाइप्स है जिससे हम रिकॉर्ड शो कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वॉट इज़ लेफ्ट ज्वाइन. द लेफ्ट ज्वाइन इज़ अ कीवर्ड दैट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल वन एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स इफ एनी फ्रॉम द राइट टेबल टू. तो लेफ्ट ज्वाइन क्यों यूज़ किया जाता है, दो टेबल है जैसे कि टेबल वन एंड टेबल टू. तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, टेबल वन में से पूरा डेटा शो करता है और टेबल टू में से सिर्फ वही डेटा शो करता है जितना मैच हो रहा है टेबल वन से. तो यहाँ पे सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम और नेम्स, वी कैन यूज इट मल्टीपल पैरामीटर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम टेबल वन. So from table 1 it will take all the record and then we are here using left join table 2. तो हम लोग यहाँ पे table 2 को left join कर रहे हैं on table 1 dot matching column name. तो किसके ऊपर कर रहे हैं, that is on table 1 dot matching column name. तो table 1 में भी वही column होना चाहिए और table 2 में भी वही column name होना चाहिए, तभी जाके joins हम लोग निकाल सकते हैं. तो on table 1 dot matching column name is equal to table 2 dot matching column name. सो वी विल सी इट प्रैक्टिकल ऑन माई स्क्यूलर बेंच. तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है एम्प्लॉय एंड क्लाइंट नेम के. तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे देखो एक क्लाइंट का टेबल है, तो यहाँ पे ई एम पी एल आई डी यहाँ पे भी है और एम्प्लॉय टेबल में भी ई एम पी एल आई डी है. तो ये कॉलम दोनों भी टेबल में सेम है तभी हम लोग यहाँ पे ज्वाइंस यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेफ्ट ज्वाइन में यहाँ पे यूज करूँगा क्लाइंट टेबल के लिए ऑन. तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट मैचिंग कॉलम फ्रॉम टेबल वन, दैट इज ई एम पी एल आई डी इज इक्वल टू मैचिंग कॉलम फ्रॉम सेकेंड टेबल, दैट इज ई एम पी एल आई डी. तो इट विल गिव्स एरर. सपोज आई रन दिस, इट विल शोज इट विल शोज एरर बिकॉज कॉलम ई एम पी एल आई डी इन फील्ड लिस्ट इन एम्बिग्यूस. तो यहाँ पे ई एम पी एल आई डी दोनों भी टेबल में है, तो यहाँ पे इसको बताना होगा कि एम्प्लॉय टेबल में से ही एम्प्लॉय आई डी चाहिए. तो यहाँ पे मैं ई एम पी एल आई डी यहाँ से भी ले लिया और क्लाइंट से भी ई एम पी एल आई डी ले लूँगा. आफ्टर रनिंग दिस क्वेरी दिस इज द रिजल्ट. सो फर्स्ट कॉलम ई एम पी एल आई डी इज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोज आर डिस्प्लेइंग, बट फ्रॉम द ई एम पी एल आई डी फ्रॉम द क्लाइंट टेबल देर आर ओनली 4 रोज शोइंग. सो आई विल रन द क्लाइंट टेबल. सो इन क्लाइंट टेबल देर आर ओनली 4 रोज एंड दैट्स वाई आफ्टर रनिंग दिस लेफ्ट ज्वाइन देर आर ओनली 4 रोज शोइंग फ्रॉम द क्लाइंट एंड द फिफ्थ कॉलम इज नल. आई विल रन अगेन. सो द फिफ्थ रोज इज शोइंग नल. सो लेफ्ट ज्वाइन में से टेबल वन में से पूरा डेटा शो होता है और फ्रॉम टेबल टू उतना ही रिकॉर्ड फेच होता है जितना वो मैच कर रहा है, और जहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा तो वहाँ पे नल वैल्यू आ जाती है. रोज विदाउट अ मैच विल हैव नल कॉलम वैल्यूज. सिमिलरली वी विल सी द राइट ज्वाइन. सो द राइट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल टू एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स इफ एनी फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, दैट इज टेबल वन. सो सिमिलर है लेकिन बस यहाँ पे अपोजिट है. वहाँ पे लेफ्ट टेबल पूरा शो हो रहा था, यहाँ पे राइट टेबल पूरा शो होगा और लेफ्ट में से उतने ही रिकॉर्ड्स से फेच होंगे जितने वो सिमिलर है जो कि मैचिंग रोज शो हो रहे हैं. तो इसका भी सिंटैक्स सेम ही है, राइट ज्वाइन सिंटैक्स. तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, सो वी आर हियर यूजिंग टेबल वन. राइट ज्वाइन हम लोग यहाँ पे टेबल टू को कर रहे हैं ऑन टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम नेम. तो यहाँ पे टेबल टू में से पूरा डेटा शो हो जाएगा लेकिन टेबल वन में से उतना ही डेटा शो होगा जितना कि वो मैच कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे MySQL वर्ग मैच में एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सो सेम क्वेरी हियर आई विल राइट
that is employee dot em plid comma client dot id from, I will use here employee as a table one. Before here we have see the left join, I will use here right join. Just only difference is here client on employee dot id is equal to client dot emplid, that is same column name. I will run the query. तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली फोर रोज फेच हो रहे हैं, दैट इज 3, 1, 2 एंड 4 एंड अगेन द सेम टेबल फ्रॉम टेबल 1, 3, 1 एंड 2 एंड 4. सो आई विल रन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट. सो वी आर यूजिंग हियर क्लाइंट एज अ राइट जॉइन. सो इन द क्लाइंट टेबल देर आर ओनली फोर रोज, दैट इज 3, 1, 2 एंड 4 फ्रॉम द ई एम पी एल आई डी कॉलम. सो दैट्स वाई देर आर ओनली फोर रोज आर शोइंग. And from the employee also there are only 4 rows are showing. Suppose in suppose there are 5 rows available on the client table, then here 5 rows will come and employee ID will come here tell. तो यहाँ पे दूसरे टेबल में सिर्फ 4 रोज अवेलेबल है, इसीलिए फर्स्ट टेबल में से ही 4 रिकॉर्ड्स उसने फेच कर लिए. लेकिन अगर टेबल 2 में 5 रिकॉर्ड्स होते तो टेबल 1 में से 5th वैल्यू नल आ जाती. बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल यूज हियर क्लाइंट डॉट क्लाइंट आई डी. सो आई विल फेच दिस. सो दैट इज 1, 2 एंड 3 एंड 4, ओनली 4 रोज आर अवेलेबल फ्रॉम द क्लाइंट टेबल. यू कैन हियर यूज इट एज अ स्टार फॉर फेचिंग ऑल द रिकॉर्ड्स. इट विल शोज ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम table 1 and table 2 from as a right join. Similarly I will use here also star for as a left join. So this is the records. So the first three columns are from the employee table, which is the 5 rows available, but in client table there are only 4 rows available, and that's why at the fifth row only the value from employee are available, and from client side they are showing null value, which are not present as a left join. This is all about the right join and left join. If you have any doubt, then you can comment down below the section. In next MySQL series, we will see cross join and inner join.